नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं योगेंद्र, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हाउस गार्डनिंग पर। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं पोर्टुला का प्लांट के ऊपर, कैसे अक्टूबर में पोर्टुला का प्लांट की केयर करें, कौन सा खाद अभी डालें अक्टूबर के महीने में, क्योंकि अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, धूप भी अभी खिल रही है, मुझे अभी इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं इस पर थोड़ा सा फूल और लूँगा, तब मैं इसको सेव करने के बारे में सोचूँगा नवंबर के फर्स्ट वीक में। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं पोर्टुला का प्लांट पे वे कौन से काम करें और क्या देखभाल करें, जिससे हमें अभी नवंबर के फर्स्ट वीक तक फ्लावर मिल सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये मेरे कुछ पोर्टुला का के पौधे लगे हुए हैं, एक राउंड पॉट में ये मैंने पौधे लगाए हुए हैं और काफ़ी इसके हेल्दी प्लांट हैं, लेकिन इनकी पत्तियां जो हैं येलो येलो पड़ गई हैं और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी लंबी हो गई है। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी ग्रोथ को कट करूँ, इसकी कटिंग करूँ और नवंबर के फर्स्ट वीक तक मैं इसको रखूँ और इनसे फूल ले सकूँ, उसके बाद मैं इसको सेव करने के बारे में सोचूंगा। तो अब मैं इनकी जो बड़ी हो गई हैं, जो डालियां बड़ी हो गई हैं, उनको मैं कट कर लूँगा कुछ इस तरह से कैंची की मदद से, क्योंकि बड़ी बड़ी डालियों से पौधे को न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता ज़्यादा और उस पर अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती। तो मैं उन बड़ी बड़ी जो कलियां हैं उनको मैं हटा दूंगा और इस पर मैं फर्टिलाइज़र दूंगा, तो मेरे पौधे में अच्छी फ्लावरिंग होगी। अभी भी इस पे फ्लावर बड्स लगे हुए हैं, तो मैं पिंचिंग कर दूंगा और जो भी ज़्यादा बड़ी ग्रोथ है उसको मैं हटा दूंगा और केवल जो इसमें बड़ आ रही हैं उनको ही मैं रखूंगा और उन पे फ्लावर भी लगेंगे। तो चलिए हम पहले इनकी पिंचिंग करके बड़ी कलियों को हटा लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हमने अपनी जो बढ़ी हुई ग्रोथ थी उसको पिंचिंग करके हटा दिया है और पिंचिंग करने से फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो फ्लावर बड हैं उन पे फ्लावर जल्दी आएंगे और अच्छे फूल खिलेंगे। तो पिंचिंग करने के बाद दोस्तों अब हमें दूसरा काम करना है, इस पॉट की मिट्टी को बाहर निकालना है और उसे रिचार्ज करना है। मिट्टी को बाहर निकाल के उसमें पोषक तत्व मिलाएंगे, जिससे कि पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी और हमारे फूल भी इसमें अच्छे खिलेंगे। तो आप यहाँ पीछे देख रहे हैं, ये छोटे से राउंड पॉट में ये पौधे लगे हुए हैं, तो हम इसकी मिट्टी को पहले बाहर निकालेंगे और उसके बाद किसी टूल की मदद से हम इस मिट्टी को डिस्टर्ब करेंगे, जड़ों के पास से मिट्टी को हटा देंगे, जिससे कि जो भी पोषक तत्व हैं हमारे पौधे की जड़ों तक पहुंच सकें और हमारा पौधा अच्छा हो जाए, हरा भरा हो जाए। तो हमने इस मिट्टी को बाहर निकाल लिया है और अब इस किसी टूल की मदद से हम इसकी रूट्स को, मिट्टी को डिस्टर्ब करेंगे कुछ इस तरह से, आप देख पा रहे हैं। अब मिट्टी को बाहर निकालने के बाद तीसरा काम हमें यह करना है कि इस मिट्टी में हमें पोषक तत्व मिलाने हैं,
जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, पत्तियों का खाद, गोबर खाद, इस तरह के पोषक तत्व आपको मिलाने हैं। तो मैं यहाँ पे 2 कप के लगभग वर्मी कंपोस्ट मिला रहा हूँ। मिट्टी में आपको अच्छी तरह से वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर खाद या फिर पत्तियों की कंपोस्ट आपको अच्छे से मिट्टी में मिला देनी है, मिक्स कर देनी है। जिससे क्या होगा कि हमारे पौधे को एनर्जी मिलेगी और हमारे पौधे की नई नई कलियाँ निकलेंगी और उस पर फ्लावरिंग भी जल्दी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ हमने वर्मी कंपोस्ट आपका मिला दिया है। इसके अलावा अब हमें दूसरा जो फर्टिलाइज़र अभी मिलाना है, इसमें हमें मिलाना है एसिड राख। आप कंडे की जली हुई राख या फिर लकड़ियों की राख आप मिला सकते हैं और ये हमारी जड़ों को सुरक्षित रखती है निमेटोड जैसे समस्याओं से, हमारी जड़ों को निजात दिलाती है और जड़ों में कोई कीड़े भी लगने नहीं देती। साथ ही साथ फॉस्फोरस और कैल्शियम की कमी को भी दूर करती है, हमारे पौधे को हरा भरा, हमारे पौधे की लीव्स को हरा भरा रखने में बहुत मदद करती है। इसके बाद हमें जो तीसरा खाद इसकी मिट्टी में मिलाना है वो है DAP, यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट, जो कि फॉस्फोरस का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है और पोर्टुला का प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा लाभदायक ये फर्टिलाइज़र है। फ्लावरिंग स्टेज पर हर पौधे के लिए हमें DAP ज़रूर डालना चाहिए। तो मैं 10 से 15 दाने इस पौधे की मिट्टी में मिला दे रहा हूँ और अब हमें इसकी पौधे को इसी पॉट के अंदर लगा देना है, अच्छी तरह से सेट कर देना है। और अब हमें पहले की तरह इस पौधे को इसी पॉट के अंदर अच्छे से लगा देना है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अच्छे से पौधे को बिठाने के बाद हमें इसमें अब पानी देना है। पानी उतना ही देंगे जितना कि इसकी जड़ों तक पहुंच पाए। ज़्यादा पानी अगर डाल दिया आपने तो फिर वो ड्रेनेज होल में से होकर बाहर निकल जाएगा और जो हमने पौधे में पोषक तत्व तो मिलाए हैं वो सभी बाहर निकल जाएंगे, पौधे को नहीं मिलेंगे। इसीलिए पानी आपको बहुत कम डालना है जहाँ तक आप पौधे की जड़ ले सकें। तो चलिए, ये हमने बात की कुल 4 बातें आपके साथ शेयर की, पोर्टुलाका के पौधे को अभी क्या काम करें जिससे कि उसमें अच्छी ब्लूमिंग हो सके। तो चलिए, इस पौधे को हमें अब फुल धूप वाले एरिया में रख देना है, यहाँ पे फुल धूप आती हो, और 4 से 5 दिनों के बाद इसमें फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी और पहले से ज़्यादा इसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी क्योंकि हमने इसकी मिट्टी को अब रिचार्ज कर दिया है और नवंबर के फर्स्ट वीक तक ये पौधा हमें फ्लावरिंग देगा। इसके बाद ठंड अधिक पड़ने लगेगी जिससे ये पौधा रेस्ट में या फिर डोरमेंसी में चला जाएगा, तो मैं फिर इसको सेव करने की सोचूंगा। तो चलिए, तब तक हम इस पे फूल लेना जारी रखते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में लिखकर भेजें और मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो चलिए, मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए गार्डनिंग करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।